नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। तस्वीरें उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के कुड़व गांव की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये पैंथर है जो पिंजरे में कैद हुआ है। शुक्रवार रात को करीब 2:30 बजे ये इस पिंजरे में आया था। पिंजरे में आप देख सकते हैं बकरी बंधी हुई है और ये बकरी को खाने के लिए अंदर आया था। वन विभाग की टीम ने इस पिंजरे में एक बकरी रखी थी, साथ ही मछली के गंध वाला पानी इसके अंदर छोड़ा था। तो ये पैंथर रात को आया, 2:30 बजे ये इस पिंजरे में घुसा बकरी को खाने के लिए और पिंजरा बंद हो गया और पिंजरे के अंदर ये पैंथर कैद हो गया। जैसे ही वन विभाग की टीम को इसकी सूचना मिली, सुबह 5 बजे टीम पिंजरे के पास पहुंची। गांव के रमेश सुथार सहित कई लोग यहां पर पहुंचे, सरपंच के परिजन, उप सरपंच के परिजन, वार्ड पंचगण भी यहां पर मौके पर आए। सब लोग चाहते थे कि ये पैंथर पकड़ा जाए और आखिरकार ये वन विभाग के बिछाए हुए जाल में फंसी गया और पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग की टीम इसे पहाड़ से पिंजरे को जो है बड़ी मशक्कत करके नीचे लाई और एक वाहन में इस पिंजरे को लोड करके उदयपुर के बायो पार्क में इसे भिजवाया जा रहा है। इस दौरान यहाँ पर रेंजर अर्जुन लाल मीणा, वनपाल कल्याण सिंह जला, गंगा सिंह सहित वन विभाग की टीम मौजूद रही। आपको बता दें कि मध्यावत ग्राम पंचायत के कुड़ाऊ गांव में बुधवार शाम को पैंथर ने एक 6 साल की लड़की का शिकार किया था। उसी रात को यहां पिंजरा लगाया गया। दूसरे दिन 3 पिंजरे और लगाए गए। शुक्रवार रात को जाकर ये कैद हुआ। रेंजर अर्जुन लाल मीणा, वनपाल कल्याण सिंह जला सहित वन विभाग की 5 टीमें यहाँ पर मौजूद है। पिंजरों को सुबह 5 बजे पहाड़ी से नीचे लाया गया और वाहन से उदयपुर के बायो पार्क के लिए रवाना किया गया। वन विभाग की टीम को एक और सफलता ये जो मिली है, इससे पहले 2 पिंजरों में 2 पैंथर को कैद किया जा चुका था और उन्हें उदयपुर के बायो पार्क में भेजा गया था। 3 दिन से वन विभाग की टीम पैंथर को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। बुधवार रात को ही जो है यहाँ पर एक पिंजरा लगा दिया था, लेकिन उसमें उसके पास बुधवार को तो पैंथर नहीं पकड़ा गया। पैंथर बुधवार को तो इन पिंजरों के पास में नहीं आया। वहीं दूसरे दिन जो है यहाँ पर और पिंजरे लगाए गए, उनमें बकरी रखी गई और मछली के गंध वाला पानी डाला गया। वन विभाग की 5 टीमें यहाँ पर तैनात थी, जिसके अंदर 30 से अधिक कर्मचारी है वो काम कर रहे थे। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात को 7:30 बजे भी पैंथर एक पिंजरे के पास में आया था, लेकिन वो पिंजरे के अंदर नहीं घुसा और वहां से चला गया। इसी रात को एक जरख भी पिंजरे के पास आया। जरख का मुंह पिंजरे से टकराया, इस कारण उसका दरवाजा जो है बंद हो गया और जरख बाहर ही रह गया, तो वो वहां से लौट गया था। हालांकि पैंथर का आतंक बरकरार है। शुक्रवार को जहाँ टीमें कुड़ऊ में पैंथर को पकड़ने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ एक पैंथर ने, हो सकता है यही पैंथर वो, इसने भारोड़ी गांव के पास में एक पहाड़ पर शिवलाल गमेती के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। शिवलाल गमेती चिल्लाया, जिस कारण पैंथर वहां से भाग गया। वहीं शुक्रवार रात को 9:30 बजे के करीब राणा गांव के पास में, घरावण एक छोटा गांव है, उसके पास में मोरा माता जी के मंदिर के पास एक बाड़े में पैंथर घुसा और 4 भेड़ों का शिकार कर लिया। 3 भेड़े जो है वो बाड़े में मृत पड़ी मिली। वहीं एक भेड़ को ले जाते हुए पशुपालक भूरा लाल गायरी ने देख लिया। दरअसल राणा गांव निवासी भूरा लाल पुत्र रामलाल गायरी के बाड़े में भेड़े बंधती है, 30-40 भेड़े वहां हैं। और शाम को जो है भूरा लाल घर पर खाना खाने आए हुए थे और वापस जब वो अपने बाड़े में गए 9:30 बजे के करीब, तब उन्होंने वहां देखा कि पैंथर जो है एक भेड़ को लेकर जा रहा है। इसकी सूचना भी वन विभाग को की गई है। तो पैंथर तो हर जगह है, जैसा कि पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। इन दिनों में सुबह और शाम को जंगल में अकेला ना जाए, जाए तो 2-3 लोग साथ में जाए और कम से कम अपने साथ में लाठियां तो ले जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे, तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।